नीतीश राणे के विवादित बयान को लेकर उन्हीं के पार्टी के नेता नाराज नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता हाजी अरफात शेख ने अपनी वीडियो जारी कर नीतीश राणे को चेतावनी तक दे डाली है। मैं जिस तरीके से हूँ, जिस तरीके से मेरी भूमिका है, जिस तरीके से मेरे आंदोलन है, जिस तरीके से मेरा पॉलिटिकल करियर है, अगर मैं उस भाषा में आ गया तो आप कभी भी कोई स्टेज पे बोल नहीं पाऊंगे। मैं 30 लाख खाटिक समाज का अध्यक्ष हूँ, ऑल इंडिया सूफी बोर्ड का अध्यक्ष हूँ, हजारों पीर मेरे साथ में, लाखों मुसलमानों की दुआ है। अगर इस तरीके की भाषा करते रहेंगे तो बहुत सारी बातें हमको भी करना पड़ेगी। आपकी शुरुआत कहां से हुई, आपके पिताजी की शुरुआत कहां से हुई, ये सब बोलने मत लगाओ। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसके बाद बस, अब इसके बाद नहीं बोलना एक भी वर्ड हमारे पैगंबर की गुस्ताखी हम नहीं से। इतना ही नहीं, हाजी अरफात शेख ने ये भी कहा है कि नीतीश राणे खुद को हिंदुओं का गब्बर कहते हैं, जबकि वो गोबर भी नहीं है। आप कहते हैं मैं गब्बर हूं, गब्बर नहीं, गोबर हूं। और गोबर ने गोबर जैसा रहना चाहिए। अब गू तो हो पर गाय का गू बन जाओ भाई, कुत्ते का गू क्यों बन रहे हो और बदबू फैला रहे हो, ये सब ना करो। राणे के बयान को लेकर हाजी अरफात शेख ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी गुहार लगाई है। गौरतलब है कि नीतीश राणे ने पार्टी का एक पदाधिकारी नाते आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि और जबान निकले और कोई बातें तहजीब के बाहर चले जाए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं इसके बाद बस हो गया। आपने हमारे कौम के खिलाफ बहुत दिनों से बहुत सारी बातें की, हम नहीं चुप रहे, पर पैगंबर की गुस्ताखी हम नहीं सहेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, माननीय देवेंद्र जी से कहूंगा और मुंबई के अध्यक्ष मेरे दोस्त आशीष शेलार जी से कहूंगा कि आप इसे समझाइए, लगाम लगाइए, नहीं तो बहुत सारी चीजें लगाम लगाने हमें भी आती है। इतनी बात आपके सामने रखूंगा, बाकी की बात ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा। अहमदनगर के एक कार्यक्रम के दौरान बेहद आपत्तिजनक बात कही थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कई जगहों पर FIR भी दर्ज हो गई। फिलहाल चुनावी मौसम में मामले को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है।